फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ ना, है ना। तो पहले मैं आप लोग को बता दूँ, पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ आप जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने वो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो समझ में आएगा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सुनेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो नहीं सुनेंगे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बता ही सकती हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाती नहीं हूँ। आप लोग को पता है मैं हेयर की वीडियो, और आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले मैंने अपना हेयर क्यों दिखाया, फिर बाद में मतलब आप लोग के साथ मैं बात कर रही हूँ। तो क्योंकि आप लोग को जो है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरे हेयर ज़्यादा पसंद है, मैं कम पसंद हूँ। तो पहले मैंने उनको हेयर दिखाया। जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो भी देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा, वो मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे, और जो नए होंगे ना, वो जाके देखेंगे, वॉच करेंगे, तो उनको मेरी वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। और आप लोग जो है ना, सपोर्ट किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं हेयर वीडियो भी बनाती हूँ, हेयर से रिलेटेड आप लोग को जो पूछना होगा आप लोग वो पूछा करिए, कमेंट्स किया करिए, मैं वीडियो बना के आप लोग के साथ डालूंगी। और जो रियलिटी है, जो मैं खुद पे यूज करती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, मैं वही बताया करूँगी आप लोगों से। मुझे कुछ ये नहीं कि मैंने इसका मुझे ऐड करना है, मुझे उसका ऐड करना है, मुझे किसी चीज़ का ऐड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया एक सांस में। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ, आगे की बात बताती हूँ। इसके पहले जो है, मेरा 2-3-6 महीने से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैं बीच में वीडियो बनाना भी बंद कर दी थी। इससे पहले मेरे बाल बहुत मोटे थे, बहुत मोटे थे। आप लोग जब मेरे पहले की वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, मेरे बाल नहीं झड़ते थे। जैसे आप टूट रहे हैं, फंस रहे हैं, तो वो तो अलग बात है, बाल नहीं झड़ते थे। मैं वीडियो बनाती थी, मैं 2 साल से वीडियो बना रही हूँ, हेयर वीडियो। आप लोग मेरी जब पीछे की जाके वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ पे हेयर 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 की वीडियो ही है पड़ी है सब मेरे। और मेरे बाल कितने मोटे थे, कितने बड़े थे, आप कितने बड़े हो गए, सब पता चलेगा। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो पुराने हैं वो तो देख चुके होंगे। तो फिर जो है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, 5-6 महीने से मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे। तो जब मुझे कमेंट्स भी आते थे, मुझे कुछ लोगों ने बताया तो फिर कि आप हेयर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो मैंने मतलब बनाना छोड़ दिया। फिर मैं सोचती थी अपने सब्सक्राइबर्स से, मैं कैसे बताऊं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन लोगों को मेरे बाल बहुत पसंद थे, फिर मेरे ही बाल खुद झड़ने लगे। और मैं कोई रेमेडी यूज़ नहीं करती, मैं कोई चीज़ ऐसा नहीं यूज़ करती अपने बाल बढ़ाने के लिए, या मोटे करने के लिए, या सिल्की करने में, कुछ भी यूज़ नहीं करती। मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कमेंट्स भी आए थे, मैंने सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स पढ़ते पढ़ते जब मैं बोर हो गई, तो मैंने एक दिन वीडियो डाला और बताया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं वीडियो बनाऊँगी नहीं, अब हेयर वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं ब्लॉग्स डाला करूँगी, बट सबको मेरे हेयर ही पसंद है। तो फिर मैं एक एक दो वीडियो कभी डाल देती थी, कभी ब्लॉग्स डालती थी। तो मैं ऐसे ऐसे करके मेरा चल रहा था 6 महीने से। बहुत तो कमेंट्स आते थे मुझे कि आप जो है ये लगाया करो, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते, वो लोग बोलते थे कि जो है आप ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। बट मैं कभी कुछ भी यूज़, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मैंने कभी कुछ भी यूज़ नहीं किया, किसी के कहने पर भी, किसी के बताने पर, क्योंकि मैं अपने बालों की ना, बालों को लेकर बहुत डरती हूँ कि मैं ये यूज़ करूँगी, मान लीजिए कुछ हो गया तो फिर मैं अपने बालों को नहीं बचा पाऊँगी,
फिर मैंने ना इतने मतलब अपने नज़र भी उतारे हैं मैंने अपने बालों के, 1 महीने प्रॉपर, 2 महीने प्रॉपर मैंने अपने बालों की नज़र उतारी है। हर संडे हर ट्यूसडे को मैं नज़र उतारती थी, कितनी मिर्ची ख़त्म हो गई, कितनी सरसों ख़त्म हो गई। और बस मैंने एक चीज़ ये किया था, मैंने अपना शैम्पू चेंज कर दिया। मैं जो शैम्पू लगाती बहुत दिन से लगाती आ रही थी, ऐसा नहीं कि मैं एक ही शैम्पू लगाती हूँ, मैं कई शैम्पू चेंज कर चुकी हूँ, और तो मैं शैम्पू चेंज कर दी। हो सकता है मैं बहुत दिनों से लगाती आ रही हूँ तो मेरा बाल उसकी वजह से, तो मैं पतंजलि लगाने लगी थी, तो उससे कुछ तो थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था पतंजलि से, कि बाल थोड़े से वो हुए थे, लेकिन फिर भी निकल रहे थे, मन उदास था। और मैंने ये मतलब अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जो अपने बालों को मतलब झड़ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं झड़ने, क्योंकि मैं कुछ तो लगाती तो हूँ नहीं अलग से, झड़ रहे क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत वो करती हूँ, तकलीफ तो होती है, मैं कटा दूंगी बालों को। और मैंने अपने बालों को थोड़ा थोड़ा कट भी किया है, आप लोग वीडियो देखेंगे जस्ट अभी मतलब रिसेंटली, जल्दी जल्दी की वीडियो है मेरी, कि मैंने अपने बालों कट भी किया है थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम किया है मैंने थोड़ा सा, तो मैंने वो भी ट्राई करके देखा तो भी नहीं हुआ। अभी मैंने जस्ट ज़्यादा ही बाल काटे थे अभी इधर बीच, तो भी नहीं हुआ। तो मैं सोचती थी क्या करूँ क्या, बहुत परेशान हो चुकी थी, फिर सोच जाने दो झड़ेगा झड़ जाएगा बाल, फिर जितना टूटना टूट जाए फिर मैं अपने बालों को कटा लूँगी, मतलब कमर तक करा लूँगी, जितना हो सकेगा मैं उतना छोटा करा लूँगी। मैंने यहाँ तक सोच लिया था अपने मन में, क्या करती जब बाल झड़ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, पोंछ जैसे लगेंगे नीचे से, तो क्या मैं करती थी, फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले, धूप में बैठ के सुखाना था मुझे। फिर उसके बाद मैंने जो है बस ऐसे ही करते करते फिर दीदी से मैंने बोला, मेरी दीदी है पार्लर से, तो उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि पानी पिया करो, सब लोग बोलते मेरे बाल झड़ रहे कर रहे हैं, कोई खाता पीता कुछ नहीं है, कोई विटामिन लेता नहीं, प्रोटीन्स तो लेता नहीं है, और कहेंगे मेरे बाल झड़ रहे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। तो मेरे मन मूड में आया तो मैं, मेरे घर बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, मैं नहीं खाती, बच्चे खाते हैं, ये खाते हैं, मैं छूती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत कम फ्रूट्स पसंद है तो मैं नहीं खाती हूँ। तो एक दिन मतलब यार इधर मतलब मैं बता रही आपको 15 या 20 दिन से मतलब मेरे मूड में भी आया कि चलो मैं भी थोड़ा खाती हूँ, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तो ये अमरूद लाए थे तो मैं भी खाती हूँ, तो ऑरेंज रहता है, ग्रेप्स रहता है, बनाना रहता है, गुआवा रहता है, 4-5 फ्रूट्स तो ये लेकर आके रख ही देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा नमक से, क्योंकि बहुत खट्टा लगता है ऑरेंज मुझे, और ग्रेप्स वगैरह खट्टा लगता है, तो मैं नहीं खाती थी, तो जो मैं अमरूद खाती थी तो उसमें भी नमक लगा के खाती थी। तो मैंने भी ऑरेंज ग्रेप्स और ये अमरूद एक आध बनाना कभी कभी मैं खाना शुरू कर दी, एक ऑरेंज थोड़ा सा ग्रेप्स और एक गुआभा मैं खाती हूँ डेली। अभी मैं खा नहीं पाई हूँ, मैंने सोचा मैं वीडियो बना देने में तो मैं बताना भूल जाऊँगी आप लोगों को, तो मैं अभी चलूँगी तो अभी खाऊँगी। तो कुछ खाने के बाद मतलब जैसे अब सुबह आप कुछ पानी वानी पी लिए, थोड़ा सा नाश्ता करिए, दोपहर में पक्का फ्रूट्स खाइए, डेली खाइए, डेली, एक दिन नहीं, आप करके देखिए। मैं आपको बस इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, आप करके देखिए कि आपके बाल झड़ना ना बंद हो गए, तो कहिएगा आज मेरे बाल बहुत मतलब मेरे बाल झड़े नहीं, आज जड़ से मेरे बाल ना, उस टाइम मेरे बाल जड़ से ऐसे निकलते थे, मैं ऐसे खींचती थी जड़ से, इतनी तकलीफ होती थी ना कि बाल टूटते हैं तो वो आ जाते हैं, मतलब वो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जड़ से निकलेंगे वो फिर कैसे आएंगे, बहुत तकलीफ होती बहुत। और मेरे आज बाल बहुत कम झड़े, देखो बहुत कम, इतनी छोटा थोड़ा सा बाल, नहीं इतना, इस ये तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब समझ लीजिए कि एक एक चौथाई भी नहीं है, इतने इतने बाल निकलते थे ऐसे से खींचे, तो बहुत पतले हो गए हैं बाल मेरे, बहुत पतले हो गए पहले से, देखिएगा वीडियो तो आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग डेली फ्रूट्स खाइए, डेली ऑरेंज बहुत फ़ायदेमंद है, ग्रेप्स बहुत फ़ायदेमंद है, ऑरेंज हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, ऑरेंज का आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दीजिए, ऑरेंज ये ग्रेप्स ये अमरूद जो खट्टी खट्टी चीज़ होती है बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, खाइए। और जो है पानी खूब पीजिए, पानी भरपूर पीजिए, इतना भी पानी मैं नहीं पीती हूँ बट मैं बोल रही हूँ पानी पीजिए, आपके बाल झड़ना 1 महीने में न बंद हो गए तो मेरा नाम बदल दीजिए। मेरा मेरे साथ तो ऐसा हुआ, हाँ मान लीजिए आपके अंदर कोई कमी होगी, कोई ऐसा कुछ कोई और चीज़ प्रोटीन की कमी होगी तो मैं नहीं वो कर सकती, बट मेरी गारंटी है, मेरे पे आजमाया हुआ है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, तब से मैं फ्रूट्स भी खाने लगी हूँ, मतलब इतनी शौकीन हो गई कि अभी चलूँगी तो मैं खाऊँगी उसको, नमक से ही खाती हूँ, बिना नमक के मुझसे नहीं खाया जाता लेकिन मैं खाती हूँ। तो आप लोग भी फ्रूट्स खाइए और अपने बालों को बचाइए, आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कोई भी तेल मत लगाइए, कोई भी शैम्पू मत लगाइए, ये दवा है वो दवा है उनका ऐड आता है, कितने लोगों मैंने ऐड देखा, ये दिखाओ दिखाओ, मैं लेकिन मैं कुछ भी यूज नहीं की, कुछ भी, मैं आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग कुछ मत यूज करिए, कुछ मत लगाइए, बस अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, आपके बाल बढ़ेंगे भी, मोटे भी होंगे और झड़ना भी बिल्कुल कम हो जाएगा। अभी तो इतना कम हुआ है, अब मैं अभी तो बस 15-20 दिन से खा रही हूँ, मुझे लगता है 2-3 महीने से मैं खाती रहूँगी, मैं हमेशा खाऊंगी तो मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद, ये टूटे हैं, ये झड़े बाल नहीं है, ये मेरे बाल टूटे हैं ऐसे खींची, क्योंकि मैंने कंघी नहीं किया था 2-3 दिन,
तो ये टूटे हैं फंस फंस के बाद। मैं कभी कभी आलस आ जाता है तो मैं कंघी भी नहीं करती हूँ अपने बालों में, तो बस उसकी वजह से ये टूटा है। नहीं तो मैं अगर डेली कंघी वंघी करती हूँ, मेरे बाल एकदम नहीं टूटे, मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। थैंक यू सो मच गॉड, जो मुझे मतलब दिमाग आया, ध्यान आया कि मैंने जो है ये खाना स्टार्ट कर दिया। भगवान जी का लाख लाख शुक्रिया है, क्योंकि मैं भगवान जी से ही मनाती हूँ, मैं कोई चीज़ लगाती नहीं। भगवान जी से, भगवान जी मेरे बाल बचा दो, मैं बालों से बहुत प्यार करती हूँ अपने। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइए क्या मैंने सही बोला, मैं सच बोल रही हूँ। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। बहुत लोगों के बालों की प्रॉब्लम इस टाइम बहुत चल रही है, तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बस यही एंड करती हूँ। अगर जिसको जो पूछना होगा मुझे कमेंट्स करेगा, मैं फिर वीडियो बना के अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।